विख्यात माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। गंगा सागर में भी श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा धूम प्रयागराज में दिखाई दी। देश दुनिया से श्रद्धालु संगम पर डुबकी लगा रहे हैं। सुबह तड़के 4 बजे से डुबकी लगाना जारी है। एक विशेष महत्व है माघ मेले की। माघ नहान भी जिसे कहा जाता है, स्नान जिसे कहा जाता है, बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और माघ स्नान जो है उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। पौष पूर्णिमा माघ मेला का शुरुआत हो चुका है। माघ पौष पूर्णिमा 2023 माघ मेले के शुरुआत में ही श्रद्धालुओं खासी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रतापगढ़ से आई हूँ और स्नान आज से हम लोग का शुरू हुआ है। हाँ, और 3 तारीख से यहाँ आके अपना टेंट जमाई हूँ। हाँ, क्या क्या करते हैं कल्पवास? कल्पवास में यही पूजा पाठ, दोनों टाइम नहाना, एक टाइम भोजन करना और बाकी इसी भजन कीर्तन करना, यही सब होता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सीता देवी पांडे। हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं और हर साल यहाँ पर संगम पर आते हैं। यहाँ पे देख रहा हूँ जिसे हर साल की तरह इस साल भी बहुत भीड़ है यहाँ पर, और पूरे ही आस्था भाव से हम लोग ने अभी स्नान करके गंगा मैया के दर्शन किया और आज से माघ मेला माघ स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत प्रसन्न है क्योंकि हम लोग तो एक माह के लिए यहीं पे रहना है और बहुत ही अच्छा रहा आज का स्नान। अनिकेत नाम है हमारा। इस माघ मेला क्षेत्र में जो विभिन्न स्नान घाट हैं, संगम घाट है, उसके अलावा जो अन्य स्नान घाट हैं, सुबह से स्नान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि धुंध है और शीतलहर है, टेम्परेचर भी बहुत कम है, उसके बावजूद लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और इन श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए उनके आवागमन के मार्ग निर्धारित हैं। सुगमता से वो स्नान घाटों तक पहुंच जाएं, इसके व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। साइनेजेस लगाए गए हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम उनको अवगत करा रहे हैं, आने जाने के मार्गों के बारे में बता रहे हैं। सुरक्षित स्नान देने के लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग के साथ साथ रिवर लाइन्स लगाई गई हैं। संगम की रेती पर माघ मेले की शुरुआत हो गई है और आज पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही यहां पर माघ मेले का आगाज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के 4 चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। ATS पूरे घाटों पर निगरानी रखे हुए है। हालांकि हम सुरक्षा की बात करें तो पूरे मेले को CCTV कैमरे की निगरानी में रखा गया है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। पूरे मेला क्षेत्र को 6,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं सुरक्षा में और आज स्नान पर्व है। 11 स्नान घाटों पर स्नान हो रहा है। वहां पर SDRF की टीम, जल पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात कर दी गई है कि किसी भी तरीके से जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो सुरक्षित सुगमता के साथ स्नान करके अपने घरों को वापस चले जाएं। इस तरह से माघ मेले की आज से औपचारिक शुरुआत हो गई है। 1 महीने तक ये माघ मेला चलेगा। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। संगम की रेती पर तंबुओं का शहर बस चुका है। पौष पूर्णिमा का आज स्नान है। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही यहां पर 1 महीने तक कल्पवासी कल्पवास करेंगे। इस समय मैं मौजूद हूं संगम नोज पर। यहां का नज़ारा आपको दिखा सकते हैं कि पूरा संगम नोज खचाखच श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा हुआ है। संगम नोज पर ही यहां पर स्नानार्थी भोर से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी में ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर हम प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो प्रशासन ने पूरी 4 चौबंद व्यवस्था कर ली है। घाटों पर डीप वाटर बैरिकेटिंग लगाई गई है। 11 स्नान घाट बनाए गए हैं जहां पर स्नानार्थी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही यहां पर कल्पवास की शुरुआत हो जाएगी। 1 महीने तक संकल्प लेकर यहां पर कल्पवासी संगम की रेती पर कठिन तप और साधना करेंगे। आज से यानी पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही माघ मेले की औपचारिक शुरुआत हो गई है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। संवाददाता विनीत श्रीवास्तव बनारस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, जो ये पौष पूर्णिमा स्नान है, इसका क्या कुछ विशेष महत्व है? किस प्रकार की श्रद्धा लेकर श्रद्धालु पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं? क्या कुछ विशेष मान्यता है इस स्नान की? विनीत, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है। हम जल्दी जुड़ेंगे अपने संवाददाता से और आपको बताएंगे कि क्या कुछ विशेष महत्व होता है जो माघ मेले का शुभारंभ हुआ है, पौष पूर्णिमा स्नान का क्या कुछ
खास महत्व होता है। किस प्रकार से श्रद्धालु पहुंचते हैं और स्नान करते हैं, लगभग महीने भर वहां पर रहकर अपनी जो मन्नत है उसे मानते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस बीच माघ मेले का शुभारंभ कड़ी जो व्यवस्था है उसके साथ किया गया है। SGRF की टीम भी तैनात की गई है, डी वॉचर बैरिकेटिंग भी लगाई गई है। संवाददाता विनीत श्रीवास्तव वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ विशेष महत्व है जो पौष पूर्णिमा स्नान है, इसका क्या कुछ विशेष महत्व है? बिल्कुल तीसरा, देखिए आज से पौष पूर्णिमा का शुरुआत हो चुका है। इसके अलावा जो माघ मेला है, आज के दिन स्नान करके माघ मेला का जो है शुरुआत हो चुका है। ये माघ मेला लगभग एक महीने तक चलता है। आज के दिन जो है श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं, उसके बाद जो है इस पर्व का जो है शुभारंभ होता है। उसके बाद जो है श्रद्धालु पूरे एक महीने तक जो है इस पर्व को मनाते हैं। आपको बता दें कि गंगा में स्नान के लिए सुबह 4 बजे से श्रद्धालु भारी संख्या में घाटों पर नजर आए थे। इसके अलावा जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी घाटों पर देखने को मिली है। जिला प्रशासन द्वारा बैरिकेटिंग की गई है, सुबह से ही श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। कड़ाके भरी ठंड में जो है लगातार श्रद्धालु स्नान करते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। हालांकि ठंड का जो है असर जो है श्रद्धालुओं पे देखने को नहीं मिल रहा है, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु जो है काशी के घाटों पर जो है स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विनीत, किस प्रकार से SGRF की टीम तैनात की गई है श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए? डीप वॉचर बैरिकेटिंग किस प्रकार से किया गया है और बाकी के जो सुरक्षा व्यवस्था है किस प्रकार से इस वक्त किए गए हैं स्नान के लिए? बिल्कुल त्रिशला, मैं आपको बताऊं कि गंगा में जो है बैरिकेटिंग की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई जो है नहाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके लिए जो है NDRF की टीम को तैनात की गई है, जल पुलिस है। इसके अलावा जो है प्रशासन की जो व्यवस्था है, जो पुख्ता व्यवस्था है, लगातार जो है चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि सुबह 4 बजे से ही भारी संख्या में गंगा के घाटों पर जो है श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, जो स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो NDRF की टीम है उसको गंगा में जो है लगातार भ्रमण करते हुए देखी जा रही है ताकि कोई भी श्रद्धालुओं के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो सके, इसको लेकर के खासा ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विनीत। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए भारत समाचार।